रविंद्र रैना जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता। रविंद्र रैना जी, क्या जानकारी अब आप तक पहुंच रही है? घायलों की हालत कैसी है? कितने घायल हैं अभी और क्या मृतकों की संख्या बढ़ी? बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। हर वर्ष 31 दिसंबर को माँ भगवती माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों हेतु पूरे देश भर से दुनिया भर से असंख्य श्रद्धालु माँ के दर्शन और माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और विशेष श्रद्धालु जो है उनका ये प्रयास रहता है कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जब नववर्ष चढ़ जाता है, नववर्ष का शुभारंभ हो जाता है, उस वक्त वो माँ के दर्शन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि अगला नववर्ष पूरा बहुत मंगलमय गुजरे। लेकिन इसी बीच बहुत भारी संख्या में वहाँ जो है वो श्रद्धालुओं के पहुंचने से मध्य रात्रि ये घटनाक्रम हुआ। ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। 12 श्रद्धालुओं ने अपनी जाने गवाई इस भगदड़ में, जो कि बहुत ही दुखद है, और तकरीबन एक दर्जन से ऊपर श्रद्धालु घायल हैं, जिनको पहले कटरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार के बाद माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। हम सब लोग वहां पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जो घायलों को किसी भी प्रकार का सहयोग जरूरत हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन है, रक्तदान हो या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। रात को ही उस घटना स्थल पर हमारे स्थानीय कार्यकर्ता पहुंचे। मैं स्वयं भी इस समय उसी घटना स्थल की ओर जा रहा हूं और हमारा प्रयास है कि जिन लोगों ने अपनी इस भगदड़ में जाने गवाई उनके परिवारजनों को जो भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम करेंगे, कर रहे हैं, और घायलों को उनकी जान बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास हमसे होगा हम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटनाक्रम रहा। प्रशासन के अधिकारी भी, डॉक्टर्स, पुलिस सब इस समय राहत और बचाव कार्यों में बहुत तेजी से अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है जो नववर्ष के बिल्कुल आगमन पर, चूंकि वहां बहुत भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई। पिछले 2 वर्षों से अनेक यात्राएं जिसमें श्री अमरनाथ जी की यात्रा और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कोरोना काल के चलते चूंकि बहुत कम सीमित संख्या में लोग वहां माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आते हैं, अचानक 31 दिसंबर को ये संख्या बहुत बढ़ गई और जिसके चलते मध्य रात्रि को ये सारा घटनाक्रम हो गया और हम 12 के करीब करीब श्रद्धालुओं को अपनी जाने गंवानी पड़ी। रविंद्र रैना जी, आपको लग रहा है कि कोई लापरवाही हुई? क्योंकि यहाँ पर कोरोना का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए तय या एंट्री होनी चाहिए, उसको क्या आपको लगता है फॉलो नहीं किया गया? क्योंकि तस्वीरें तो यही गवाही दे रही है। दूसरा सवाल ये हो जाता है कि इतनी एंट्री आखिरकार दी क्यों गई और ये हर बार, मतलब पिछले 2 साल से लगातार देखा जा रहा है कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं, तो क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं हुए? इस सारे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद जो भी इसमें मामला सामने आएगा कानून अपना काम करेगा। जैसा आपने स्वयं कहा कि कोरोना काल में लगभग सभी हमारे धार्मिक यात्राएं, देवालय, मंदिर, मठ सब जो है वो बंद थे और एक नियमावली से एक रिस्ट्रिक्टेड संख्या श्रद्धालुओं की ही जाती है। लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं हर वर्ष 31 दिसंबर को हमने स्वयं देखा है कि जैसे नवरात्रों में एक मेला लगता है नवरात्रों के पर्व पर माता रानी के दरबार में, उसी प्रकार श्रद्धालु नव वर्ष के आगमन से पहले बड़ी संख्या में मां के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में ये सब बंद था तो अचानक इस प्रकार का रश अचानक बढ़ गया और जिसके चलते मध्य रात्रि और सबका यह प्रयास कि हमको रात्रि के 12 बजे के बाद माँ के दर्शन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है और उसी बीच कहीं 2 श्रद्धालुओं के बीच में आपस में कुछ कहा सुनी हो गई और उसके बाद ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है जो बहुत ही एक कष्टदायक है, पीड़ादायक है। वो सभी परिवारजन एक एक करके वो सबसे हम यहाँ से संपर्क कर रहे हैं जिनकी जांच के बाद जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है उनके परिवारजनों से हम संपर्क कर रहे हैं। घायलों को हर प्रकार का सहयोग
सहयोग में जो भी ब्लड डोनेशन या अन्य प्रकार का जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके परिवारजनों को जो यहाँ पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए जो जो सहयोग हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन करके इस सारे घटनाक्रम की जानकारी भी ली है और हमें ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत मौके पर पहुंचना चाहिए और हर प्रकार का सहयोग और हमको असिस्टेंस वहां करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता रात के ही स्थल पर पहुंचे हैं और प्रशासन का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हम सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवीन जी जुड़ने के लिए।